हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9:15 हो चुका है और अभी मैं आया हूँ इधर सरेह की तरफ घूमने, और साथ ही साथ एक काम था। थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं बारिश हो रहा है, तो पानी भी लगा हुआ है, इधर खेत सब है देख सकते हैं। तो अभी मैं देख सकते हैं यहाँ बाल्टी में खाद लेकर आया हूँ, थोड़ा सा छिटना है क्योंकि हम लोगों के पास में जो है ना मोटर नहीं है, तो पानी का व्यवस्था खरीद कर पानी पटाना पड़ता है दूसरे के मोटर से। तो बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इससे जो है ना हाल बन गया है खेत समय। तो चलते हैं खाद छींटने। अभी मैं बाल्टी में ले लिया हूँ खाद और चलते हैं, आते हैं ठीक करके। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश अभी हो ही रहा है अभी। दोस्तों अभी मैं खेत में पहुँचने ही वाला हूँ, देख सकते हैं कितना प्यारा सा हरा भरा खेत हो गया है इस समय का, सारा धान जो है ना हरिया गया हुआ। तो हमको इसी खेत में छींटना है, इसी वाले में देख सकते हैं इसी में छींट देते हैं। तो चलिए छाता उतारते हैं और छींटते हैं। इस पर छाता रख देते हैं और पन्नी से ढक के लाए हुए हैं। चलिए छींट लेते हैं। दोस्तों अभी छींट लिया खाद, देख सकते हैं खाली हो गया बाल्टी। अभी चलते हैं दोस्तों, छाता लेते हैं और चलते हैं घर पे। अभी बोनी जगह दोस्तों पड़ ही रहा है और देख सकते हैं बादल लगा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं। तो बारिश छूटेगा तो चलेंगे सीतामढ़ी माल लाने। तो चलते हैं पहले घर, स्नान स्नान भी करना बाकी ही है। 12 बज रहा है दोस्तों अभी, अभी मैं घर से निकला हूँ अभी 12 बजे। और दोस्तों मौसम देख सकते हैं उसी तरह का है, बादल लगा हुआ है और बारिश अभी थोड़ा भी नहीं रुका है। सुबह से जैसे हो रहा है उसी तरह से बुनी फुल नहीं रहा है, अभी भी बुनी पड़ी रहा है अभी। तो चलते हैं, थोड़ा कम है सुबह से, वो भी चल रहे हैं सीतामढ़ी। बहुत तो सारा माल खत्म हो गया, चलते हैं ले करके आते हैं। तो दोस्तों भी आ गया दुकान में और माल छाप रहे हैं, बंडी उंडी सब नाइट पर चल लेंगे। इधर रंगीला सेट में है ये सब लेंगे और नीचे भी प्लाजो राजो लेना है तो छांट लेते हैं जमीन में। इधर टी शर्ट तो है जेंट्स में, फ्राक सब है इधर। तो मुझे जो सब लेना है वो सब ले लेते हैं। तो अभी मैं अभी सीतामढ़ी से चल दिया हूँ और चलते हैं दोस्तों घर पे। माल आज 2 घंटा समय लगा है लाने और छांटने में, और गाड़ी भी बनवाया हूँ तो अभी 3:30 हो रहा है। चलते हैं और माल टोटल कितना का है तो घर पर चल के दिखाते हैं क्या क्या है। टोटल माल 95,000-1,300 हो जाएगा, 11,000 में 200 कम का माल है। सही फिलहाल चलते हैं घर पर दिखाएंगे क्या क्या माल है। तो अभी 4:45 हो रहा है, अभी 4:45 हो रहा है, देख सकते हैं इस समय का भी कुछ इस प्रकार का है। अभी तो सारे माल को भी उतार लिया हूँ, देख सकते हैं एक बोरा है और झोला में उसमें सिर्फ गमछा है, तो एक बोरा माल है। तो चलिए खोलते हैं बोरा को और क्या क्या है निकालते हैं। चलिए सबको सरिया लेते हैं निकाल करके अच्छे से, और पहले दिखाते हैं क्या क्या है। दोस्तों चलिए ये है बांधने वाला, देख सकते हैं आज 5 साइज का लाया हूँ, 2-2 बंडल देख सकते हैं, सारा सूती में है। इसमें 2 साइज आते हैं तो एक ही साइज आज 10 पीस लाया। और ये सूती वाला प्लाजो है पॉकेट वाला, देख सकते हैं इस प्रकार का 6 पीस है, एक टेप एक दर्जन लिया है। और 3 साइज में ब्लूमर है, देख सकते हैं एक 8-10 साल लड़की का एक टी शर्ट है, एक बेबी टेप है देख सकते हैं, और ये नाइट पैंट है 2 बंडल 6 पीस, और ये बंडी है देख सकते हैं 3 साइज में लिया 2-2 पीस। 2 साइज का हाफ पैंट है 2-2 बंडल, लेस में 2 साइज का है देख सकते हैं, एक है 10 साल का एक है सियान वाला। 8 प्लाजो सेट है दोस्तों, देख सकते हैं 8 कलर में, 12 वाला प्लाजो सेट,
कुर्ती है सूती में 50 वाला, और ये ओढ़नी है 4 पीस, और खाद तो थोड़ा ही लिए है। और ये स्टेट पैंट है, एक पीस निकाल के दिखाते हैं, जिस तरह जींस टाइप का आता है, जैसे सकते हैं ऐसा डिजाइन है। ये 5 पीस लिया है, और एक ब्लूमर डिब्बा वाला लिया हूँ, अच्छा दे सकते। और दोस्तों इस झोला में गमछा है 5 चौका, ये वाला काटने वाला है, काटना पड़ेगा 5 चौका। और एक है 999 बड़ा वाला, तो ये तो कटा हुआ है, 5 पीस लुंगी है दे सकते, तो इतना ही सामान है दे सकते हैं। तो चलिए सारे माल को भी सरिया लेते हैं, सबको सरिया करके रेडी कर लेते हैं। एक 5 बज रहा है, तो रेडी भी करते उड़ते अंधेरा हो जाएगा, तो सबको सरिया भी आ लेते हैं, जो बचेगा उसे यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए सारे को सरिया लेते हैं, सरिया करके रेडी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी 6:15 हो रहा है, अभी सारे माल को सरिया ले, इतना रह गया दे सकते स्टॉक में। आप गमछा खाली काटने का है, तो काटेंगे बाद में, ये कैरेट में पूरी तरह से फूल हो चुका है दे सकते हैं, और इतना हमारा रह गया है दे सकते हैं। झोला भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो सरवन चाकू भी ले आया दे सकते हैं। तो चलते हैं अभी ये काट लेते हैं, क्योंकि सरवन अभी तैयार हो गया पकड़ने के लिए, तो ये पकड़ेगा, मैं काटूंगा पहले सबको, फैला लेते सरिया लेते हैं। दोस्तों दे सकते हैं सारे गमछा को फैला लिया, और अभी उधर से पकड़ेगा ऐसे करके, और मैं इधर से काटूंगा, तो काट लेते हैं सबको। दोस्तों काट लिया सारे गमछा को दे सकते हैं, और चलते हैं सबको रख देते हैं ऐसा ही, कल सरियाएंगे, खाली गमछा सरियाने का रह गया है, हो गया कटिंग करना महत्वपूर्ण था, तो हो गया, सब कल सरिया लेंगे। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी लेते हैं, बाय बाय, गुड इवनिंग।